सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गोविंद फ्रूट। आज बनाएंगे हम सी मिडिल की एक बांसुरी। बांसुरी बनाने के लिए पहले आपको एक बाम्बू का टुकड़ा चाहिए जो कि 19.5 इंची की लंबाई में, उसका डायमीटर 19.5 होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक अच्छा बाम्बू आप चूज़ कर लो, मेरे पास तो बहुत सारा है, उसमें से एक बनाएंगे आज। चलो इसको बनाते हैं। ये 19.5 इंची की लंबाई है, उसका डायमीटर है 19.5 इंचेस अंडर का डायमीटर। तो अभी हम लोग पहले एक बाम्बू के ऊपर एक लाइन खींचेंगे पेंसिल से। तो लाइन खींचने के लिए हम एक स्टील के स्केल यूज़ करता है, ठीक है। किस प्रकार से खींचेंगे आप देखिए। और एक बाम्बू ले लेते हैं, उसका साइड में रखते हुए, उसके ऊपर दोनों को साइड में रखते हुए, ठीक है, उसके ऊपर फिर स्टील के स्केल को ऐसे बिछाएंगे, बिठा के उसकी स्ट्रेट एकदम, देखिए कैसे करेंगे। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बांस के संबंधित, बांसुरी के संबंधित किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे। इस प्रकार से लास्ट से फास्ट तक हमने ऐसे एक लाइन खींच लिया स्टील की स्टेल से स्केल से, ठीक है। देखिए अभी हम लोग बनाएंगे, हमारे पास मेजरमेंट है जो कि लिखा हुआ नोटबुक पे, आपको अगर चाहिए तो लिख लो। इस प्रकार से बाम्बू को, बांस को लास्ट से फास्ट तक इस पर स्केल बैठाओ लाइन के ऊपर। आप इस प्रकार से लाइन के ऊपर स्केल को बैठा के पहले हम लोग ब्लोइंग होल जिसमें से मुंह के हवा भरते हैं वो बनाएंगे, ठीक है। देखिए उसका डिस्टेंस है लास्ट से, बाम्बू का लास्ट से ब्लोइंग होल का डिस्टेंस है 41.7 डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस से आपको होल करना है, इसका मेजरमेंट है 41.7 सेमी, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग पहले लिख लो मेजरमेंट। इसी प्रकार एक के बाद पहले अभी एक नंबर बनाएंगे, एक नंबर का जो लास्ट से उसका मेजरमेंट है 24.5 सेमी, इसमें हमने मार्क किया। अभी दो नंबर बनाएंगे, दो नंबर जो छेद है उसको बनाने के लिए उसका डिस्टेंस है 21.4 सेमी, ठीक है। इस प्रकार से तीन नंबर है 18.4 सेमी, उसमें हमने मार्क किया। इस प्रकार जो कि चार नंबर होल्स के लिए उसमें हम मार्क करेंगे 14.5 सेमी कर दिया। उसके बाद जो पांच नंबर है 12.5 सेमी, उसमें भी मार्क किया। इस प्रकार से पेंसिल से मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद जो छठवा है, सिक्स नंबर, वो है 8.5 सेमी, ठीक है। इसी प्रकार और एक है जो लास्ट में करेंगे छेद, वो आपका जो पंचम होता है पा को ट्यून करने के लिए, उसमें और एक छेद करना पड़ता है, होल करना पड़ता है, वो है। सो लास्ट से इसका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पा को ट्यून करने के लिए आपको चाहिए, इसका डिस्टेंस है 3.8 सेमी, इसमें आपको पॉइंट करना पड़ेगा और उसके बाद छेद करना पड़ेगा। सो इस प्रकार से आप पॉइंट कर लो पहले, इस प्रकार से हमने पहले पॉइंट कर लिया पेंसिल से, चलिए ठीक है ना। इस प्रकार से पॉइंट कर लो, नोटेशन आपका वो मेजरमेंट लिख लो। इस प्रकार से अभी हम लोग छेद करेंगे कैसे, बहुत ही छोटा छोटा पहले छेद करना है। उसके बाद सैंड पेपर से, जो कि ऐसे बाजार में मिलते हैं सैंड पेपर, उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बांसुरी में छेद करेंगे। छेद करने के लिए ऐसे रॉड का टुकड़ा गर्म करके, तो पहले ब्लोइंग होल करेंगे जो कि माउथ होल होता है, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 10 mm से 11 mm तक इसका अंदर ही होना चाहिए। ज़्यादा मोटा ज़्यादा बड़ा मत करो, पहले छोटा करो, उसके बाद सैंड पेपर से घिसो। इस प्रकार से एक हो गया हमारा
चलो और एक बार ट्राई करते हैं, ये गर्म होने से ठंडा होने से नहीं होगा, ये थोड़ा ठंडा हो गया, चलो इसको चेंज करते हैं। अभी देखो इसमें बहुत सारा रॉड दिया हुआ है, तो इसमें से गर्म करके इसी प्रकार से आपको एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक छेद करना है। छेद को धीरे धीरे करना है क्योंकि बैम्बू फट भी सकता है। उसी प्रकार से जो रॉड है लोहे का वो भी गर्म होना चाहिए, गर्म होने से आपको छेद बहुत ही अच्छा होगा। इसी प्रकार से आप ज़्यादा बड़ा मत करो, बार बार मैं ही बताता हूँ, एक के बाद एक छोटा करो थोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप सैंड पेपर से जब घिसेंगे उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा आराम से जब ट्यून होगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा मेरे पास रॉड है जो गर्म किया हुआ है, उसको हमने एक के बाद एक ऐसे लाल करने से और अच्छा होता है, इसके ऐसे बहुत ही जल्दी फास्ट में होता है, ज़्यादा मत ज़्यादा बड़ा मान नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये गर्म है बहुत ही, इस प्रकार से हमारा लगभग 6 होल हो गया, देखिए 6 होल हमने ऐसे बना दिया, ये ठीक है। और एक के बाद एक ऐसे गर्म भी होना चाहिए, तो ये हम लोग अभी देखते हैं क्या करेंगे। हाथ में थोड़ा घुस गया कुछ, पहले से एक कपड़े से एक पोंछ लो उसको, थोड़ा उसमें कला वो क्या होते हैं उसमें डस्ट वो नहीं होना चाहिए, इसे थोड़ा क्लीन कर लो। तो ट्यूनिंग हमका साउंड थोड़ा हाइट है, ट्यूनिंग का साउंड अब लो। उसके बाद कॉक भी लगाना चाहिए इस प्रकार से, मेरे पास अभी रबर का कॉक है वो राउंड किया हुआ है पहले से, वो कॉक को हमने ऐसे लगाएंगे जो कि ब्लोइंग होल के ऊपर है, जो उसमें हम फूड सांस भरते हैं उसके ऊपर वो है ऐसे, इसी प्रकार इसको लगाना चाहिए धीरे धीरे से, ठीक है। और इसको कितना दूरी पर रखना है वो आपको लगभग 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 इंची, 1.5 इंची ऐसे, इसी प्रकार से आप टेप भी यूज़ कर सकते हो, मेज़रमेंट टेप इस प्रकार से, ठीक है। उसका अगर चाहिए तो और भी थोड़ा अंदर डाल सकते हो आप, ये जब ट्यून करेंगे उस टाइम भी कर सकते हो, लेकिन अंदर डालना चाहिए नहीं तो साउंड नहीं आएगा। इसे टेप से आप उसमें मेज़रमेंट और कर सकते हैं किस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। अभी अभी इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, ट्राई करते हैं बांसुरी में कैसे साउंड होता है कि नहीं। तो ये साउंड थोड़ा हाइट किया हुआ है मेरे दोस्तों, अगले थोड़े टाइम में हम लोग पहले इसमें वीडियो बहुत बड़ा जो होता है इसीलिए इसका हमने ट्यून अच्छे से करेंगे, इसी का ट्यून करेंगे, और आप लोगों से फिर बजा के सुनाएंगे दिखाएंगे भी। देखिए बांसुरी अभी थोड़ा गर्म है, इस प्रकार से गर्म है अभी अभी भी, चलो देखते हैं। तो अभी थोड़ा ट्यून के बारे में थोड़ा देखना था, चलो मोबाइल ऑन कर दिया, अभी थोड़ा बजा कर देखते हैं। ट्यून तो एक भी हम नहीं है शायद पहले, ठीक है। इस प्रकार से मोबाइल का एक ट्यूनर ऐप है जो कि बहुत सारे ट्यूनर हैं जो कि आपको मिल जाएगा उसमें प्ले स्टोर से। तो अभी जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही ख़राब है, अभी सी बांसुरी बनाया हमने, बी बज रहा है, स्केल बी हो रहा है, लेकिन इसको ही ट्यून करेंगे पहले धीरे धीरे सैंड पेपर से घिस के, ठीक है, सैंड पेपर से घिस के इसको ट्यून करेंगे। सो ट्यून का वीडियो हमने नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे ट्यून कैसे करेंगे, बहुत ही ट्यून का वीडियो बहुत ही थोड़ा थोड़ा टफ है, इतना टफ भी नहीं, अभी आप देखने से भी बना सकते हो, बजा सकते मतलब ट्यून कर सकते हो। तो देखते हैं अभी हम लोग इसको ट्यून करके फिर कुछ वीडियो लाते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा छेद थोड़ा और बड़ा करना है, तो इस प्रकार से हमने ये ऐसे वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको सीखना है तो फिर वीडियो पूरा ही देखना है। पहले हमने इसका जो छेद बनाया था बहुत ही छोटा बनाया था, क्योंकि हमने सोचा था कि इसमें हमको घिस के थोड़ा बड़ा करना है, तो बहुत ही छोटा हो गया, इसलिए अभी ये रॉड से ही गर्म है उसकी से उसमें से ही इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, अभी हमने सैंड पेपर लिया एक, उसको थोड़ा काटा, ये सैंड पेपर है जो वो 100 से 80 नंबर होते हैं, दो प्रकार पे हमारे पास सैंड पेपर है, और भी है जो पॉलिश के टाइम लगते हैं, और उसके बाद एक ये
पेन है उसके ऊपर ऐसे राउंड करते हैं, पेंट को राउंड करना चाहिए उसके ऊपर, राउंड करके इसने, क्योंकि उसका जो होल होते हैं पूरा राउंड होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार ये ट्यूनर है, उसको बंद करके रखते हैं। अभी थोड़ा बांसुरी का जो छेद है उसमें थोड़ा सीरीज पेपर से, जो सैंड पेपर है उसमें से अब हम लोग घिसेंगे, घिस के जो उसका डस्ट है वो भी निकालेंगे और देखते हैं ट्यून के बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले माउथ होल को अच्छे से घिसो, जैसे कि हमने अभी लोहे के रॉड से उसको छेद किया तो उसमें काला काला बहुत सारा है जो जो कि डस्ट होते हैं, उसको पहले क्लीन करके, ठीक है, इस प्रकार से क्लीन करना चाहिए, जो कि सैंड पेपर इसे रोल करके उसके अंदर डालना चाहिए। तो हमने अभी वीडियो हमने नहीं नहीं दिखाएंगे, जो कि ट्यूनिंग करने के लिए, ट्यूनिंग का वीडियो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ट्यूनिंग करने के बाद ही आप लोगों को वो थोड़ा बजा के दिखाएंगे किस प्रकार से साउंड और ट्यूनिंग किया है हमने। जो वीडियो के जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी देखेंगे हम बांसुरी को ट्यून कर कैसे वीडियो बनते हैं, कैसे साउंड आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो बांसुरी छेद किया उसी का ये है, तो वीडियो ना बड़ा लंबा हो जाए इसी के लिए हमने ट्यून का वीडियो नहीं बनाया, नेक्स्ट में बनाएंगे ट्यून के, ओनली फॉर ट्यून के। तो ये सी मिडिल है जो कि 19.5 इंची की, 19 इंचीज। तो इसका हमने ट्यूनिंग किया और आप लोगों के सामने और एक बार करते हैं, सुनिए इसका साउंड कैसे। पहले छोटा छेद था उसको सैंड पेपर से हमने ऐसे रोल करके फिर इसको बड़ा किया, उसको ट्यून किया। अगर ट्यून नीचे रहेगा तो उसके लिए थोड़ा आपको घिस के बड़ा करना पड़ेगा, इसको ऊपर का भी और नीचे का भी उसके हिसाब से ट्यून करने के, और उसको थोड़ा थोड़ा आप घिसो, फिर इसके बाद आप ये ट्यून करो कि आपका आवाज़ ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ये बात है। तो इस प्रकार से पा को ट्यून करने के लिए ये भी हमने किसा बड़ा गया, जैसे कि पा को ट्यून करने के लिए ऐसे ये, अगर पा पा सी स्केल में जी बजते हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग किसी को अगर बांसुरी चाहिए, आप बजाने सीख रहे हैं बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के लिए, जो प्रोफेशनली फ्लूट बजाते हैं उन लोगों के लिए, मेरा नंबर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसमें से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं नया बांसुरी के लिए, और बांस के बैम्बू के लिए, बांसुरी के थ्रेड के लिए, बांसुरी के जितने भी वो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए, बनाने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण, मैं गोविंद, नमस्ते।